कुछ प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कभी कभी हमारा मनोबल डाउन होता है, तो हम उस प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, प्रॉब्लम छोटी होती है, लेकिन हमारा मनोबल वीक होता है, इस वजह से वो प्रॉब्लम हमें बहुत बड़ी लगती है, राइट? तो मुझे प्रॉब्लम्स कुछ बड़ी लगती थी, कभी टायर्डनेस आ जाता था, कभी इरिटेशन, कभी कुछ संस्कार और हैबिट हैवी हो जाते थे। उस वक्त मुझे फिर से वो रियलाइज हुआ कि शायद आई नीड टू लर्न द मेडिटेशन टेक्निक, और उसके बाद मैंने मेडिटेशन सीखा बहुत ही सुंदर, और मेडिटेशन से बहुत ही लाइफ में मैजिक मैजिकल एक्सपीरियंस हुए, बहुत मनोबल बढ़ा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट इज योर माइंड पावर। तो आज आप सबका स्वागत है, जो आप लकी हैं जो इस मेडिटेशन के सत्र में आपको जुड़ने का मौका मिला। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सत्र है उसमें हम स्वयं को और सुप्रीम को जानेंगे, क्योंकि मेडिटेशन माना कनेक्शन, इजी डेफिनेशन है। मेडिटेशन या योग भी हम जिसे कहते हैं या ध्यान कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम उसको प्रोनाउंस करते हैं, तो ध्यान कहें, योग कहें, मेडिटेशन कहें, वेरी सिंपल वेरी इजी की कनेक्शन। अब सबसे पहले कनेक्शन किससे करना है ये हमें जानना होगा, और कनेक्शन किसको करना है ये जानना होगा, राइट? अगर आपको किसी से कनेक्ट होना है थ्रू द फोन, तो यू नीड टू नो टू थिंग्स, यू नीड टू थिंग्स, वन अ मोबाइल ऑन योर हैंड और अनदर अ फोन नंबर टू होम यू वॉन्ट टू कॉल। तो उसी प्रकार से मेडिटेशन है। मेडिटेशन में एक तो स्वयं को जानना है और एक जिससे कनेक्ट करना है उसे जानना है, जहां से हमें पावर रिसीव होती है। तो ये थोड़ा इंटरेक्टिव सेशन रहेगा। सबसे पहले हम स्वयं को जानेंगे, तो सबसे पहले खुद की पहचान, तो हु एम आई, एक क्वेश्चन मार्क उठता है मेरे मन में कि मैं कौन हूँ। तो एक इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, तो मैं आप लोगों में से पूछना चाहता हूँ, कोई भी एक, या आप अनम्यूट करके, कि आप कौन हो, तो आप क्या बताएंगे, हु यू आर? तो कोई भी अनम्यूट करके बता सकता है अपना परिचय, कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप कौन हो तो आप क्या कहेंगे? कोई भी पार्टिसिपेंट्स आंसर देना चाहेंगे, क्योंकि एक इंट्रैक्शन होगा हमारे सेशन में। यस, कोई भी आंसर नहीं देना चाहेंगे? अगर हम पूछते हैं कि आपका अपना आइडेंटिटी क्या है, तो व्हाट यू टेल अबाउट योरसेल्फ, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वयं की पहचान। जी शांति। हाँ जी जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो हम जाहिर सी बात है तो स्वयं का नाम बताएंगे जो हम हैं। ओके ओके सो आपका नाम क्या है? श्रीकांत। ओके तो श्रीकांत और जी, जैसे हाँ जी हमारा प्रोफेशन भी बोल सकते हैं कि हम जो प्रोफेशन से जुड़े हैं, ऑक्यूपेशन हमारा। ओके और नरेश जी कुछ बोल रहे हैं? जी आप बोले। हाँ, ओके यस मैं आत्मा हूँ। ओके बहुत सुंदर। तो जैसे नरेश जी ने एक आंसर दिया कि उन्होंने कहा मैं एक आत्मा हूँ, तो इस चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है कि हु एम आई। तो क्वेश्चन जब मेरे मन में उठता है कि मैं कौन हूँ, तो दो चीजें होती है, नेचर एंड एनर्जी, एनर्जी है ना, प्रकृति और ऊर्जा। इस संसार में भी जब हम साइंस में भी पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज लाइफ में, तो दो चीजों से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, एक है ऊर्जा और दूसरा है प्रकृति, नेचर। तो हमारे पास भी, हम भी दो चीज से एग्जिस्ट करते हैं, एक है शरीर और सेकेंड है शरीर को चलाने वाली ऊर्जा, दैट इज आत्मा। ओके अब शरीर जो है वो टेम्पररी है, जैसे अभी इन्होंने नाम बताया कि मेरा नाम श्रीकांत है, तो श्रीकांत एक नाम है जो शरीर का पड़ा हुआ है, उनके शरीर का नाम। सपोज उनके बचपन में हम चले जाते हैं, जब वो छोटे बच्चे थे,
और जब वो पैदा हुए थे, जस्ट उनका न्यू बेबी बॉर्न थे, उस समय उनका नाम श्रीकांत नहीं था, कुछ दिन बाद उनका नाम श्रीकांत पड़ा, राइट। तो इससे हमें समझ में क्या आता है कि जो नाम है वो टेम्पररी है, परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। पैदा होने के कुछ दिन बाद बच्चे का नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण होता है और उसका हम नाम रखते हैं। तो ये हमारी फाल्स आइडेंटिटी है, टेम्पररी आइडेंटिटी है। आज हम देखते हैं बहुत लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं, इट इज अ टेम्पररी आइडेंटिटी। सेकेंड, अगर आप कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, दैट इज द प्रोफेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। वो एक आपकी डिग्री है, आपका प्रोफेशन है। एक्चुअल में यू आर नॉट इंजीनियर, यू आर नॉट डॉक्टर, वो आपकी एक डिग्री है। जब आप घर जाते हैं तो घर में आप एक हस्बैंड, एक बच्चे की तरह, एक एक फ्रेंड की तरह, है ना, एक एक अपने एक घर वाली आइडेंटिटी में रहते हैं। जब आप ऑफिस में जाते हैं, काम पे जाते हैं, तो उस जगह पे आप उस आइडेंटिटी के साथ रहते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, जब वो हॉस्पिटल जाता है तो उसकी आइडेंटिटी डॉक्टर की होती है, वही डॉक्टर जब घर आता है तो नॉर्मल आइडेंटिटी उसकी होती है। उसकी वाइफ, उसके बच्चे उसको डॉक्टर कह के नहीं बुलाते, या उसके माइंड सेट में उनके ऐसा नहीं रहता कि हमारे सामने एक डॉक्टर है तो उस हिसाब से हमें ट्रीट करना। नो, इट इज द आइडेंटिटी ऑफ योर प्रोफेशन। तो तीसरी चीज जो बचती है, ये शरीर की टेम्पररी आइडेंटिटी है। हम एक्चुअल में सोल है, एक आत्मा है, शरीर को चलाने वाली शक्ति। अब होता क्या है, जब हम आत्मा सुनते हैं तो कई बार लोग डर जाते हैं, है ना। आत्मा हमने मन में ऐसा बिठाया हुआ है कि आत्मा कोई बहुत डरावनी चीज है या भटकती हुई चीज है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आत्मा सिंपली ऊर्जा, एनर्जी, जिसको मुस्लिम धर्म में रूह कहते हैं, है ना, जिसको साइंस में एनर्जी कहते हैं, जिसको ऊर्जा कहते हैं, जिसको चेतना कहते हैं, जिसको कॉन्सियसनेस कहते हैं, ये बहुत सारे नोमेनक्लेचर एक ही चीज के हैं, दैट इज कॉल्ड सोल। तो सोल है वो हमारी रियल आइडेंटिटी है। हम एक्चुअल में एक आत्मा है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है, राइट। और इस शरीर में हम प्रवेश होते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों मिलके जीवात्मा बनते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे फिगर में कि एक व्यक्ति है, उसकी भ्रिकुटी में एक चमकता हुआ सितारा है, एक शाइनिंग स्टार है, दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ सोल, है ना। तो शरीर प्लस आत्मा, जीव धन आत्मा, जीवात्मा, ह्यूमस प्लस बींग, ह्यूमस मीन्स मिट्टी का शरीर, प्लस बींग, बींग मीन्स एनर्जी, ह्यूमस प्लस बींग इज इक्वल टू ह्यूमन बींग, राइट। तो आत्मा शरीर को चलाती है, कैसे, ठीक उसी तरीके से जैसे एक कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑपरेटर चलाता है, गॉट इट। एक कंप्यूटर को कंप्यूटर ऑपरेटर चलाता है, कंप्यूटर अपने आप नहीं चलता, उसी प्रकार से शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। दूसरा, आप देख रहे होंगे एक कार को ड्राइवर चलाता है, राइट। तो उसी प्रकार से हमारा जो शरीर है वो एक कार है, एक गाड़ी है, और इसको चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो मालिक है, वो है आत्मा। अगर कार बहुत अच्छी है लेकिन अगर ड्राइवर नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। शरीर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो शरीर चल नहीं सकता, शरीर सड़ जाएगा। शरीर, अब डेड बॉडी क्या होता है, सड़ जाता है। अगर अभी किसी की डेथ हुई है, आत्मा बाहर निकल गया, शुरू में शरीर ठीक है लेकिन धीरे 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 शरीर सड़ते जाता है, उसकी कलर डल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊर्जा है, जो शरीर को चमक देने वाली, प्रकाश देने वाली, शक्ति देने वाली, ताकत देने वाली जो शक्ति है वो निकल जाती है। तो हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, आत्मा है। अब मेडिटेशन करने का लक्ष्य क्या है, तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि आप मेडिटेशन क्यों सीखना चाहते हैं। सबका अपना लक्ष्य है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती थी तो मैं चाहता था मेरा मनोबल इतना अच्छा हो कि मैं उस प्रॉब्लम को एज इट इज, छोटा प्रॉब्लम को छोटा समझ के हैंडल करूं। क्योंकि हम प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारे सामने सिचुएशन आएगा, सपोज मान लो आप घर से निकले ऑफिस के लिए, दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, और रास्ते में बहुत ट्रैफिक हो गया। अब जब ट्रैफिक हुआ और आपको ऑफिस पहुंचना है, तो ट्रैफिक जब आपके रास्ते में आता है तो आपको अंदर हलचल होने लगती है, मन में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं, या आपको थोड़ा बेचैनी से फील होता है कि मुझे ऑफिस पहुंचना है, ट्रैफिक हो गया, ओके? किसी का जो माइंड है वो पीसफुल स्टेट में रहता होगा। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मनोबल का, माइंड पावर का। जिसका माइंड वीक है उसके माइंड में हलचल बहुत सारी आएगी, जिसका
हाँ जी, जिसका माइंड पावरफुल है वो रिलैक्स रहेगा। तो इसी प्रकार से मेडिटेशन आप सीखना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य क्या है, तो कोई भी अनम्यूट करके बताएगा वो व्हाई यू वांट टू लर्न मेडिटेशन। टू स्टे काम। टू स्टे काम, वेरी गुड, नाइस। और कोई? मैक्सिमम लोगों का आंसर यही रहता है जो अभी इन्होंने बोला कि मेडिटेशन एक्चुअल में हम इसलिए करते हैं, हम पीसफुल रहना चाहते हैं। हाँ, नवीन जी ने कहा कि कंट्रोल माइंड, कंट्रोल माइंड मीन्स पीसफुल माइंड। तो इसका मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में, बहुत इजी भाषा में बात करूं, हम शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इस वजह से हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। तो अब शांति है क्या चीज, वो समझना पड़ेगा। शांति किसको चाहिए, आत्मा को चाहिए या शरीर को चाहिए? तो शरीर को शांति नहीं चाहिए, शरीर किसको चाहिए शांति, आत्मा को चाहिए। आत्मा एक्चुअल में शांत स्वरूप है, आत्मा सोल जिसको हम सतो प्रधान आत्मा भी कहते हैं, आत्मा एक्चुअल में है ही शांत स्वरूप, है ना। आत्मा की क्वालिटी में ही शांति है। जैसे शरीर पांच तत्वों से मिलके बना हुआ, आप देख रहे होंगे राइट साइड में बॉडी, बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइव एलिमेंट्स, दैट इज फायर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। पांच तत्वों से मिलके बना हुआ यह शरीर है, तो इस शरीर को ठीक रखने के लिए हमें ये पांच तत्व चाहिए। फायर, अग्नि मतलब प्रकाश, अर्थ मतलब इस पृथ्वी का वातावरण, यहाँ के फल फूल सब्जियां, एयर मतलब वायु चाहिए हमारे शरीर को ठीक रखने के लिए, वाटर हमें पानी चाहिए, जल चाहिए, और आकाश मतलब ये जो पोलर है, ये जो ईथर है, इसमें ही ह्यूमन बींग एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार से आत्मा की सेवन इंटरनल क्वालिटीज है, आंतरिक गुण है सात, उसमें से सबसे पहली क्वालिटी है शांति। तो इसका मतलब आत्मा एक्चुअल में पीसफुल है, लेकिन फिर भी हम अशांत क्यों हो जाते हैं? जैसे अभी सेशन सुनते सुनते कुछ लोगों का माइंड पीसफुल होगा, कुछ लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ और भी बातें चल रही होंगी, इसका मतलब उनका माइंड जो है पीसफुल स्टेट में नहीं है, या वो एकाग्रचित नहीं है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अभी बॉडी कॉन्शियस में बैठे हैं। द मोमेंट यू आर एट बॉडी कॉन्शियसनेस, यू आर एट पीसलेस स्टेज। जैसे ही आप शरीर के भान में आते हैं, अपने आप को ये बॉडी समझते हैं, तो आप अशांत हो जाते हैं। जैसे ही आप सोल कॉन्शियस में आएंगे, आपकी जो इंटरनल क्वालिटी है वो ऑटोमेटिकली बाहर आते जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सुंदर सा एग्जाम्पल समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को मैं बोलता हूँ गुस्सा करो, कॉन्टिन्यू गुस्सा करो, तो वो क्या करेगा? गुस्सा करेगा, चिल्लाएगा, लोगों के ऊपर गुस्सा करेगा। कितने देर? आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा, उसके बाद क्या होगा? शांत हो जाएगा। ऐसा तो नहीं 24 घंटा गुस्सा करते रहेगा या लाइफ टाइम गुस्सा करते रहेगा, नहीं, ऑटोमेटिकली क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा की नेचुरल क्वालिटी शांति है, और हर चीज अपने नेचुरल, अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है। जैसे पानी है, अगर आप पानी गर्म कर देंगे, बहुत गर्म कर दे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा? वापस से ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का जो काम है, जो पानी का जो ओरिजिनल नेचर है वाटर का, वो है शीतलता, ठंडक। तो ऑटोमेटिकली वो शीतल हो जाएगा, कितना भी आप गर्म कर लो। इसी प्रकार से आत्मा की जो ओरिजिनल जो नेचर है वो है शांति। लेकिन आज हम अपने आप को बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा रखते हैं कि हमें पीसलेस फील होता है, हमें अशांति की अनुभूति होती है, और हम उस अशांति की अनुभूति को फील करने के लिए इस विश्व की बहुत सारी टेक्निक्स को अपनाते हैं, या बहुत सारे डाइवर्जन टेक्निक अपनाते हैं। नहीं, डाइवर्जन मतलब सपोज आप अभी बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, और आपका मन जो है वो अशांत हो रहा है, कोई बातें चल रही है, तो आप क्या करेंगे? चले जाएंगे कहीं पार्टी में, मूवी देखने चले जाएंगे, या आप फोन में किसी से बात करेंगे। तो इट इज कॉल्ड टेम्पररी डाइवर्जन टेक्निक। ये क्या है? एक डाइवर्जन टेक्निक है
कि आपने अपने अशांति और पीसलेस माइंड को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है कि आप सोल कॉन्शियसनेस में टिक के अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी जो शांति है, आपकी जो ओरिजिनल नेचर है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से आपको अनुभव होगी, आपको अनुभव होगा, राइट? तो ये हमारा सबसे पहले पहचान है कि वी आर सोल, हम एक आत्मा है। आत्मा का रूप कैसा होता है? ज्योतिर्बिंदु, प्रकाश, पॉइंट ऑफ लाइट। और पॉइंट होता है बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा और बहुत सूक्ष्म साइज होता है, इतना छोटा कि इन आंखों से हम देख नहीं सकते, क्योंकि हमारी आंखों की भी एक लिमिट है 1/10, हमारे सुनने की भी एक लिमिट है 1/3, इसी प्रकार से आंखों की एक लिमिट है, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते क्योंकि उसकी भी एक लिमिट है। तो आत्मा को अनुभव कर सकते हैं, जैसे करंट है, करंट को देख नहीं सकते, लेकिन अगर आप खुली हुई वायर को अगर टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा। हवा है, हवा को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इसी प्रकार से आत्मा को महसूस किया जाता है। जैसे एक माँ है, वो गर्भवती है, उनके वॉर्म में एक बच्चा है, लेकिन 8-9 महीना बाद क्या होता है, बच्चा लात मारता है, तो माँ को पता चल जाता है अभी इसमें सोल प्रवेश कर गया, शरीर रेडी है थ्रू द प्रोसीजर ऑफ द नेचर, बट उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो सोल है, वो आती है तब माँ को एहसास होता है अभी किसी ने जन्म ले लिया, अंदर मतलब स्टार्ट हो गया जन्म की प्रक्रिया, और 1-2 महीने बाद फिर उसका जन्म हो जाता है। तो आत्मा को अनुभूति करते हैं, आत्मा निकल जाती है तो बॉडी शीतल हो जाता है, बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देता है, इसी प्रकार से आत्मा को महसूस करते हैं। और आत्मा ज्योतिर्बिंदु क्यों? क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि हम दिखते कैसे हैं, खुद की पहचान के लिए पता होना चाहिए। तो हम कैसे हैं? पॉइंट ऑफ लाइट, अ एनर्जी, अ सोल, राइट? अब दूसरी चीज हम देखते हैं कि हम लाइफ में, संसार में आए क्यों हैं? व्हाट इज अवर एक्चुअल पर्पस, व्हाट वी वांट एंड व्हाई वी डू एवरीथिंग। हम जॉब कर रहे हैं, हम सेशन अटेंड कर रहे हैं, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हम रिलेटिव्स बनाते हैं, हम फ्रेंड सर्कल तैयार करते हैं, तो ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, कोई आंसर देना चाहेगा कि लाइफ में एक्चुअल में हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट फ्रॉम लाइफ? कोई भी अनम्यूट करके आंसर दे सकते हैं? यस, हम जीवन में क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट इन लाइफ, व्हाई डू वी डू एवरीथिंग। अगर आपको जॉब चाहिए, आपको बड़ा बिजनेस करना है, तो क्यों करना है, व्हाट यू वांट, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। कोई आंसर देना चाहेगा? यस प्लीज। लिव हैप्पीली। टू लिव हैप्पीली, ओके, हम खुश रहना चाहते हैं जी। यस, और कोई? तो इन्होंने सही आंसर दिया कि एक्चुअल में हम लाइफ में हम आनंद चाहते हैं। लिव हैप्पीली इज द राइट आंसर, बट उसका और हायर लेवल का हैप्पीनेस, प्लेजर, ब्लिस। यस यस यस, राइट, ब्लिस, ब्लिस इज द अल्टीमेट आंसर। हैप्पीनेस, यस, हैप्पीनेस इज टेम्पररी एंड द फ्लो ऑफ हैप्पीनेस इज कॉल्ड ब्लिस। खुशी एक टेम्पररी चीज है और निरंतर खुशी रहना, खुश रहना, उसे हम कहते हैं आनंद। इसलिए देखना, जो बड़े जो महात्मा के गए, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मेडिटेशन, उनके नाम के अंत में आनंद लग जाता है, शिवानंद, कि वो कॉन्स्टेंट हैप्पी हो गए। तो स्टे हैप्पी किस आनंद कहते हैं? तो सिंपल सा यस, सॉरी फॉर डिसकनेक्टेड, हेलो, यस, तो जस्ट होल्ड, आई अगेन शेयर द सेम।
जस्ट अ सेकंड, मैं अभी शेयर करता हूँ. ओके, नाउ इट्स विजिबल. तो हम बात कर रहे थे आनंद की. तो आनंद भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेजर. तो हम जो प्लेजर चाहते हैं, तो राइट नाउ वी आर टेकिंग नेगेटिव प्लेजर. अभी हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव प्लेजर ले रहे हैं. नेगेटिव प्लेजर मतलब जो बॉडी के थ्रू लेते हैं हम आनंद, उसे हम नेगेटिव प्लेजर बोलते हैं. जो खत्म हो जाता है, टेम्पररी होता है. पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, राइट साइड में, नेगेटिव प्लेजर में टेम्पररी. सपोज कोई बोलता है मुझे धन चाहिए, ठीक है, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया. उसके बाद क्या होगा, बस बोर हो जाएगा पैसा से, बस दैट्स इट. बहुत जॉब किया, बहुत बिजनेस किया, बहुत पैसा कमाया, एक एक समय पे उसका मन भर जाएगा. सपोज कोई कहता है कि मुझे लाइफ में अल्टीमेट हैप्पीनेस तब मिलेगी जब मैं शादी कर लूंगा. क्या होता है, शादी करता है, एक दो साल बाद क्या होता है वो आपको भी पता है. वही नॉर्मल सब कुछ एज इट इज हो जाता है, वही लाइफ वापस से ट्रैक में आ जाती है. इसका मतलब दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, टेम्पररी हैप्पीनेस. अच्छा, सपोज किसी को लगता है कि मुझे टूरिस्ट प्लेस में जाना है, हिल स्टेशन में जाना है, मुझे बहुत खुशी होती है. चलो आपको हिल स्टेशन में लेके जाते हैं, मनाली लेके जाते हैं, स्विट्जरलैंड लेके जाते हैं. कितना, एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन, एक महीना, दो महीना, तीन महीना. उसके बाद क्या होगा, आप बोर हो जाएंगे. एक साल में, 15-10 महीने में क्या हो जाएंगे, उस हिल स्टेशन से आप बोर हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि वो जो प्लेजर है वो बॉडी से रिलेटेड है, वो टेम्पररी है. सपोज किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, एक कोई सा भी सॉन्ग सुनना पसंद है, आप उस सॉन्ग को दिन में 10 बार सुनो, दो तीन दिन बाद क्या होगा, वो सॉन्ग सुनने की इच्छा ही नहीं होगी. हम सबका अनुभव है, क्योंकि दैट इज नेगेटिव प्लेजर. सपोज आपको रसगुल्ला पसंद है, ओके, सुबह नाश्ते में आपको 5 रसगुल्ला दिया, दोपहर भोजन पे, शाम के फिर खाने पे फिर वापस से 5 रसगुल्ला दिया, अगले दिन वही 3 टाइम वैसे ही रसगुल्ला दिए, फिर अगले दिन वैसे ही रसगुल्ला दिए, 3-4 दिन, 10 दिन बाद क्या होगा, आप बोलोगे मुझे अब रसगुल्ला नहीं खाना. गॉट इट? क्यों, क्योंकि वो जो प्लेजर है, वो जो खुशी है, ये धन, ये पर्सन, ऑब्जेक्ट, मनी, म्यूजिक, है ना, टूरिज्म, ये सब चीज क्या है, टेम्पररी है, टेम्पररी है. और दूसरा, एडिक्शन देने वाली चीज है. एक बार व्यक्ति इन चीजों को लेना स्टार्ट करता है, लेना ठीक बात है, लेकिन हमें लाइफ में जो अल्टीमेट गोल है वो क्या है, वो इम्पोर्टेंट है समझना. तो इसमें जब मनुष्य एक बार एडिक्टेड हो जाता है, तो उस चीज को पाने के लिए वो बहुत सारे डिजायर क्रिएट करता है. आज लाइफ में जो भी लोग दुखी हैं, वो किसी ना किसी डिजायर के वजह से. डिजायर इज गुड थिंग, कि इच्छा अच्छी बात है, लेकिन इच्छा के कारण दुखी होना बुरी बात है, राइट? तो प्लेजर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दो टाइप के होते हैं. तो सेकंड आप देख रहे होंगे, पॉजिटिव प्लेजर. पॉजिटिव प्लेजर मतलब आत्मा की जो आंतरिक जो क्वालिटी है, जब वो डेवलप होती है, हमारे अंदर की एक्चुअल में जो क्वालिटी है, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव प्लेजर. सपोज आप किसी की मदद करते हैं, कोई गरीब बूढ़ा व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति, वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है, आपने उसका हाथ पकड़ के क्रॉस कराया, आपको कैसा फील होता है, अंदर से खुशी की अनुभूति होती है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेजर. जब मेडिटेशन करते हैं तो कॉन्स्टेंट आपका माइंड जो है वो पीसफुल और हैप्पी स्टेट में रहता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लेजर. आपको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं हुई हैप्पीनेस को पाने के लिए, राइट? नेगेटिव प्लेजर में माइंड भागता है, मन भागता है, डाइवर्ट होते रहता है, बहुत सारे थॉट्स क्रिएट होते हैं. पॉजिटिव प्लेजर में माइंड पीसफुल स्टेट में रहता है. नेगेटिव प्लेजर बॉडी कॉन्शियसनेस, पॉजिटिव प्लेजर सोल कॉन्शियसनेस. तो हमें अगर आनंद चाहिए, क्यों ना हम ऐसी टेक्निक सीख लें कि हर वक्त हम आनंद में रहें. काम करते वक्त आनंद, सोते वक्त आनंद में रहें, खाते वक्त आनंद में रहें, किसी से बात करते वक्त आनंद में रहें, चलते वक्त आनंद में रहें, फोन यूज करते वक्त आनंद में रहें, टीवी देखते वक्त आनंद में रहें, हर समय हर कर्म करते हुए अंदर हमें एक आनंद की अनुभूति हो. और ये प्रैक्टिकल हमने फील किया. सपोज आज आपका बहुत अच्छा जॉब लग गया, या आपका रिजल्ट आया, आपने कोई सा एग्जाम दिया था यूपीएससी का, आप सेलेक्ट हो गए. अब क्या है, आपकी ज्वाइनिंग 1 महीना बाद है. अब थ्रू आउट 1 मंथ आपकी स्टेट कैसी रहेगी, आप कुछ भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, अंदर आपको एक आंतरिक खुशी का अनुभव हो रहा है.
तो इसका मतलब क्या, हर कर्म करते आंतरिक खुशी की अनुभूति हो सकती है, तो दैट वी वांट फ्रॉम मेडिटेशन, इसलिए हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं। तो शरीर और आत्मा हमने समझा कि शरीर और आत्मा दो चीज होती है, शरीर विनाशी है, पांच तत्वों से बना हुआ है, और शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है, और हम सब कौन है, एक आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक ऊर्जा है, कॉन्शियसनेस है, जो इस बॉडी के थ्रू वर्क करते हैं, इस कर्म क्षेत्र में अपना पार्ट प्ले करते हैं, राइट। अब आत्मा की शक्तियां हैं, तो हम अभी आत्मा की शक्तियों को जानेंगे कि सर ठीक है हमने आत्मा समझ लिया, लेकिन रोहित भाई आत्मा करती क्या है, व्हाट इज द वर्क। तो अगर मैं आपसे पहले पूछूं कि जो प्लेजर की बात हमने की, प्लेजर कौन लेता है, बॉडी लेता है या सर आत्मा लेती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें लिखा हुआ राइट साइड में, प्लेजर इन द माइंड नॉट इन द ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल टेस्ट, जो भी आनंद होता है, प्लेजर होता है, वो आत्मा लेती है, शरीर कभी नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल आप रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ला का जो स्वाद है वो आत्मा ले रही है, आत्मा मीन्स उसकी एक शक्ति हम लेते हैं मन, राइट। सपोज आप खाना खाने बैठे हैं या आपके खाना खाने का समय हो गया शाम का, और अचानक से आपको एक फोन आता है कि आपका बहुत पुराना गहरा मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, उसकी डेथ हो गई। अब आपके सामने जब खाना रखा जाएगा तो पहली बात आपको खाने की इच्छा नहीं होगी, और अगर बाय द वे आप खाना खाते भी हैं तो आपको उस खाने में टेस्ट नहीं आएगा। ऐसा क्यों, हम सबको एक्सपीरियंस है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मन इस समय जो है वो अपने दोस्त के डेथ के दुख को फील कर रहा है, इस वजह से उस दुख को अनुभव करने की वजह से उस खाने के टेस्ट को वो नहीं ले सकता। इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि शरीर स्वाद नहीं लेता, आत्मा अर्थात मन स्वाद लेती है। तो शरीर आत्मा की जो शक्तियां हैं उसमें से पहली शक्ति है मन, माइंड। आत्मा के पास टोटल तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तीन शक्तियों से आत्मा अपने सारे कर्म करता है। तो मन क्या चीज है, मन से हम थॉट क्रिएट करते हैं, राइट। अभी आप इस सेशन को सुन रहे हैं तो कोई ना कोई थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आत्मा अपनी पहली शक्ति को यूज कर रही है, दैट इज माइंड। माइंड से हम क्या करते हैं, सोचते हैं, निरंतर हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। अच्छा, कई लोग क्या कहते हैं, मेडिटेशन इसलिए हम सीखना चाहते हैं माइंड को थॉटलेस बना दे, मतलब कोई संकल्प चले ही ना, इट इज नॉट पॉसिबल। मेडिटेशन ये नहीं सिखाता कि आपका माइंड रुक जाए, माइंड को पॉजिटिव दिशा देने के लिए मेडिटेशन है, माइंड के नंबर ऑफ थॉट्स को कम करने के लिए मेडिटेशन है, थॉट्स को स्टेबल करने के लिए मेडिटेशन है, राइट। अब एक घोड़ा है, घोड़े को बांध के तो नहीं रखा जा सकता, घोड़े को यूज करने के लिए है वो घोड़ा, उसको प्रॉपर गाइडलाइन देने के लिए है, अगर कोई उसको बांध दे तो फिर वो तो कोई घोड़े का लॉजिक ही नहीं। उसी प्रकार मन है, मन को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना है, ना कि उसको मारना है, उसको अमन नहीं बनाना है, उसे क्या करना है, सुमन बनाना है, राइट। तो सबसे पहले मन, मन क्या करता है, सोचता है, संकल्प करता है, लेकिन आज हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो होता क्या, हम जो नहीं चाहते वह भी मन सोचता है। दूसरा मन का जो कार्य है वो है फील करना, दो चीजें, थॉट्स क्रिएट करना पहला, दूसरा फील करना। सपोज आपको मैं अभी कहता हूं कि अपने सबसे प्यारे व्यक्ति को याद करो, आप सब अभी एक एक सेकंड का एक एक्सरसाइज है, एक मिनट का, वो हम करते हैं। सपोज आप सबको मैं कहता हूं कि एक सबसे अपने करीबी प्यारे मित्र को या किसी को भी जो आपको सबसे प्यारा है, अपने आईज क्लोज करके उसको याद करें, उसको याद करें, और उसे एक आप तोहफा दें, कोई भी एक गिफ्ट दिवाली का अपने हाथ में रखें, आंख क्लोज करें और उसको फील करें कि आप उसको एक गिफ्ट दे रहे हैं। वो जो भी व्यक्ति है आपको देख के मुस्कुराता है और बहुत प्यार से आपको थैंक्स कहता है,
अपनी आंखों को वापस खोले right? तो अभी आपने क्या किया, फील किया, थॉट्स एक बार क्रिएट किया कि मैं थॉट्स, एक्चुअल में आपने भी क्रिएट नहीं किया, थॉट्स मैंने आपको दिया और उस थॉट्स को आप फील किए। जब वो व्यक्ति का चेहरा आपके सामने आया तो आपको एक खुशी की अनुभूति हुई, वो फील आत्मा करता है राइट। तो आत्मा दो चीज करता है, द माइंड क्रिएट्स थॉट्स एंड फील इट। किसी को एग्जाम का डर लग रहा है तो डर क्या है, एक फीलिंग है। किसी को चॉकलेट जो है वो खाने की इच्छा हो रही है, थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं तो वो क्या है, थॉट्स है। वो सोच रहा है मुझे चॉकलेट खाना है तो ये क्या है, थॉट्स है। और ये लड़की बैठी है इसको एग्जाम का डर लग रहा है तो डर थॉट नहीं है, डर फीलिंग है। डर में उसे बार बार थॉट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, नहीं, उसको क्या हो रहा है, एक फीलिंग आ रही है। तो माइंड फील करता है और थॉट्स क्रिएट करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेडिटेशन में माइंड, इंटेलेक्ट और हैबिट तीनों को जानना जरूरी है। तो आत्मा की पहली शक्ति मन है, मन से हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, थॉट्स। थॉट्स चार टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी, वेस्ट। दिन भर हम जो सोचते हैं थॉट्स, उसमें से चार प्रकार के थॉट्स हमारे होते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होता है, किसी को हेल्प करने का थॉट्स आता है, शांति के थॉट्स आते हैं, किसी के प्रति प्रेम का अनुभव होता है, किसी को हम समझने का प्रयास करते हैं, कुछ दान पुण्य करने के थॉट्स आते हैं, ये सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं। नेगेटिव क्या होता है, किसी से घृणा हो रहा है, किसी से जेलसी हो रही है, किसी को देख के हमें गुस्सा आ रहा है ना, ये सारे थॉट्स कैसे, नेगेटिव है। तीसरे नेसेसरी, नेसेसरी मतलब कल मुझे ऑफिस जाना है, कल मुझे सर के सामने प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, कल मुझे वो टिकट निकलवानी है, ये सारे कैसे थॉट्स हैं, ये सारे नेसेसरी थॉट्स हैं। दे आर नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव बट दे आर नेसेसरी। एंड लास्ट इज वेस्ट थॉट। वेस्ट मतलब किसी, उसका कोई लॉजिक नहीं है, वो पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है, वो वेस्ट है। जैसे सपोज आपको एक 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 महीने बाद आपको सपोज जाना है स्विट्जरलैंड जाना है, विदेश जाना है, सपोज आप एक दो बार थॉट्स के ओके मुझे फॉरेन जाना है, अब रोज आप उसी थॉट्स को बार बार कर रहे हैं सुबह शाम रात दिन, तो वो कैसा थॉट्स हो गया, वेस्ट, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। यू हैव टू गो, आपने डिसाइड कर लिया, टिकट निकलवा ली, सोच लिया, दैट्स इट। अब हर समय आप अगर उसको सोचते हैं तो सेम थॉट्स क्या कहलाते हैं, वेस्ट थॉट। सपोज आप अभी बैठे हैं, आप अभी सेशन सुन रहे हैं और सेशन सुनते सुनते कल न्यूज में क्या आने वाला है ये आप सोच रहे हो, तो कैसा थॉट्स हो, वेस्ट थॉट, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है। इट इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नॉर नेसेसरी राइट। तो ये थॉट्स होते हैं। नेक्स्ट है इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट आत्मा की तीन शक्ति है, सोल की, पहला माइंड समझा, दूसरा बुद्धि, मन के बाद बुद्धि, बुद्धि को हम इंटेलेक्ट कहते हैं। इंटेलेक्ट से हम डिसाइड करते हैं राइट, डिसीजन लेते हैं। जैसे आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एक आपके फ्रेंड ने आपको सिगरेट ऑफर किया, आपको बोला ये सिगरेट पियो फर्स्ट टाइम, अब आप क्या करेंगे, मन आपका सोचेगा मैं सिगरेट पीऊं या मैं सिगरेट नहीं पीऊं। सिगरेट पीऊंगा कोई बात नहीं है, ट्राई कर लेते हैं, क्या होता है, दोस्ती यारी है, चलता है, फ्रेंड सर्कल है। फिर आपका मन सोचता है नहीं नहीं सिगरेट पीने से लीवर खराब होता है, लंग्स खराब होते हैं, ये बुरी आदत है। तो ये मन अभी सोच रहा है, लेकिन आपको सिगरेट पीना है या नहीं ये कर्म करने के लिए बुद्धि क्या करती है, डिसाइड करती है। सपोज आपने डिसाइड कर लिया कोई बात नहीं मैं एक सिगरेट पी लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड डिसीजन। अभी तक आप सोच रहे थे मैं पीऊं या नहीं पीऊं, अगर मैं पीऊंगा तो ये होगा, नहीं पीऊंगा तो ये होगा, लेकिन अब क्या करे, आपने डिसाइड कर लिया कि ओके आज एक पी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। तो बुद्धि जो है वो डिसाइड करता है, डिसीजन पावर। मन कितना भी सोचे लेकिन आप कर्म वही करोगे जो आप डिसाइड करोगे। और आत्मा की जो दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है वो है डिसीजन पावर राइट। अच्छा, बुद्धि का दूसरा एक कार्य भी है, विजुअलाइज करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मुझसे पूछा, आप मेरे पड़ोसी हैं, आपने पूछा मुझे इस फलाने मार्केट में फलाने शॉप पे जाना है, मैंने आपको बोला सीधा जाना, एक दुकान आएगी वहां से राइट लेना,
आगे SBI बैंक आएगा, वहां से लेफ्ट लेना और आपको वो दुकान मिल जाएगा। तो जब मैं आपको ये समझा रहा हूँ तो आप क्या कर रहे हो, अपनी बुद्धि में चित्र बना रहे हो, अच्छा ऐसे राइट जाऊंगा, ऐसे लेफ्ट जाऊंगा, ऐसे SBI आएगा, और ऑन द सेम टाइम आप अपने मन में थॉट्स क्रिएट कर रहे हो। तो थॉट प्लस विजुअलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। एक तरफ आप सोच रहे हो अच्छा ऐसे से जाना है, और दूसरी तरफ चित्र बना रहे हो। सपोज मैंने आपको अभी बोला सैंडविच अपने सामने लाओ, सैंडविच विजुअलाइज करो। आपने सैंडविच विजुअलाइज किया, एक प्लेट में सैंडविच रखा है, उसमें सॉस रखा है, सॉस में आपने सैंडविच टच किया और उसे मुंह में डाला और खाए। तो ये जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताई है, थॉट्स दिया, उसको आपने तुरंत ही क्या किया, विजुअलाइज किया। अभी मैंने आपको बोला एफिल टावर विजुअलाइज करो, आप तुरंत कर सकते हैं। एक हाथी विजुअलाइज करो, आपने कर लिया विजुअलाइज। प्रधानमंत्री मोदी जी को विजुअलाइज करो, कर लिया आपने। गणेश भगवान की मूर्ति को विजुअलाइज करो, कर लिया। विजुअलाइजेशन, ये जो इतना फास्ट आप कर रहे हो एक सेकेंड में, वो क्या कर रहे हो, विजुअलाइजेशन। इतनी बड़ी पावर है वो विजुअलाइजेशन। तो माइंड, माइंड की दो पावर, मन की दो मन का दो कार्य है, सोचना फील करना, सोचना अनुभव करना, बुद्धि इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के दो कार्य हैं, डिसीजन लेना, विजुअलाइज करना, राइट। ओके, तीसरा है संस्कार। हम संस्कार को समझेंगे, उसके बाद मेडिटेशन का सत्र होगा आपका छोटा सा। जो भी आपने सीखा उसको कैसे, आत्मा की आंतरिक शक्ति को, आंतरिक शांति को कैसे अनुभव करना है, वो हम आपको मेडिटेशन के थ्रू कराएंगे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव प्लेजर। हम चाहते हैं हर वक्त हमारा मन शांत और खुशहाल रहे, पॉजिटिव रहे, शक्तिशाली रहे और हम कर्म करते रहे। दैट्स इट। नेगेटिव सिचुएशन में भी मैं पावरफुल और हैप्पी रहूं, पॉजिटिव सिचुएशन में तो हम रहते ही हैं, तो वो हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट हम समझते हैं हैबिट्स, संस्कार। संस्कार क्या होता है? मन बुद्धि के द्वारा जो हमारा कर्म होता है उसको हम संस्कार का नाम देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रोज सिगरेट पी रहा है, उसने पहले सिगरेट पीने का सोचा, उसके बाद डिसाइड किया, गया सिगरेट लिया पिया, दूसरे दिन फिर गया सिगरेट लिया पिया, तीसरे दिन फिर सोचा सिगरेट पीऊं नहीं पीऊं, फिर गया फिर पिया, चौथे दिन से क्या होगा, उसको सोचना नहीं पड़ेगा मैं सिगरेट पीऊं या नहीं पीऊं, डायरेक्ट जाके पिएगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्या हो गया, संस्कार बन गया। दूसरा एग्जाम्पल, सपोज कोई व्यक्ति है, उसको पैसे की बहुत जरूरत है, वो सोचता है पैसा तो कहीं से मिल नहीं रहा, काम करता हूँ मैं, चोरी करता हूँ, किसी बैंक में किसी जगह जाके चोरी करने का सोचता है। अभी सोच रहा है, फिर डिसाइड करता है, फिर चोरी करता है, फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है, फिर ऐसे ही करता है, सोचता है डिसाइड करता है जाके चोरी करता है। अब जब तीसरी बार जब सिचुएशन आएगी तो अब सोचेगा नहीं वो मैं चोरी करूं या किसी से उधार मांगू, वो तुरंत चोरी करने चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी चोरी करने की। सिमिलरली अगर आपको सुबह उठना है 5 बजे और सुबह उठ के वॉकिंग करना है, आज आपको सोचना पड़ेगा, किसी का आपने सेशन सुना मोटिवेशनल सेशन, कल आप डिसाइड करोगे, उठोगे, दूसरे दिन फिर उठने की कोशिश करोगे, आपको बहुत मेहनत लगेगी, धीरे 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 15-20 दिन जब आप रोज उठने लगेंगे, उसके बाद आपका नेचुरल नीड लगेगा 5 बजे। क्यों? क्योंकि वो संसार बन चुका है। तो मन और बुद्धि से सोचने के बाद बार बार रिपीट करते हैं, उसको कहते हैं संस्कार। के पांच ओके सो अगर कोई व्यक्ति है वो शांत रहता है, उसे हम कुछ भी कहते हैं, तो अगर वो शांत रहता है तो इसका मतलब उसके शांति के संस्कार, राइट। ओके, तो इसी प्रकार से सेकंड है इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर एंड फादर।
कुछ संस्कार हमारे माता पिता से मिलते हैं हमें। तीसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ द कंपनी, हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारे सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनसे हमारे संस्कार बनते हैं, राइट। चौथा है विल पावर, विल पावर जो हमारी दृढ़ शक्ति से संस्कार बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक डिसाइड कर लिया कि मुझे कल से सवेरे 5 बजे उठना है मेडिटेशन करने के लिए हर हाल में। इस दृढ़ संकल्प से, डिटर्मिनेशन, विल पावर से आपके एक संस्कार बन जाएंगे सवेरे उठने के। और एक और है संस्कार फ्रॉम पास्ट बर्थ, पिछले जन्म से कुछ हमारे संस्कार हम अडॉप्ट करते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, बचपन से क्या करता है, छोटेपन से ही बच्चा बहुत खुश है, राइट। मैं लाइक शेयर करता हूँ जस्ट वो कौन से संस्कार है। कई हम देखते हैं बच्चे बहुत रोते हैं बचपन से ही, हंसने के से प्रीवियस बर्थ से संस्कार लेकर के 4-5 साल से ही बहुत भक्ति करते हैं, पूजा पाठ में इंटरेस्ट रखते हैं। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में भी वो पूजा करते हैं, तो वहां से हमारे संस्कार। ये हमारा आज का सत्र था जिसमें हमने स्वयं को जाना। तो अभी हम एक शॉर्ट में मेडिटेशन करेंगे, मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ, फिर कल हम सुप्रीम को जानेंगे किससे हमें कनेक्ट करना है। अभी हमने स्वयं को जाना, किसको एक्टिवेट करना है, आत्मा को। आत्मा को मतलब हमें सोल कॉन्शियस में रहने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे हम सोल कॉन्शियसनेस में टिकेंगे हमें हमारी आंतरिक आनंद की अनुभूति होने लगेगी। हम आत्मा है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, सेंटर ऑफ फोरहेड में होते हैं, जैसे आपने फिगर में देखा था। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, हमारी 7 qualities हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति। हमें लाइफ में अल्टीमेटली क्या चाहिए, आनंद। आनंद दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव बॉडी के थ्रू होते हैं जिसके हमें एडिक्शन हो जाते हैं, जिसको पाने के लिए हम बहुत डिजायर क्रिएट करते हैं। और जो पॉजिटिव है वो सोल के होते हैं, पॉजिटिव सोल के होते हैं। और हम जब पॉजिटिव लेना सीख जाते हैं तो हर वक्त हम आनंद में और पीसफुल स्टेट में रहते हैं। तो ये हमने अभी सीखा, इस कैसे हम सोल कॉन्शियस में टिके, कैसे एक्टिवेट करें अपने उस आनंद में स्थिति को, ब्लिसफुल स्टेट को, एवर लास्टिंग जॉय को, वो अभी आपको हम मेडिटेशन कराएंगे। तो सभी अब अभी पीसफुल स्टेट में आईज क्लोज करके बैठ सकते हैं। मेडिटेशन करने के बाद आज का सत्र हम क्लोज करेंगे। तो 10 to 15 minutes, मैक्सिमम 20 minutes हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तो अभी हमारे बीच हमारे रितांशु भाई जी हैं, वो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति, आवाज आ रही है जी? तो 2 मिनट कनेक्शन हो रहा है। सभी एकदम साइलेंस में आंखें बंद करके बैठेंगे, और हो सके तो एक ऐसी जगह पे आकर आप बैठें जहां पर आपको कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाएं। आप चाहे तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं या नीचे फ्लोर पर भी बैठ सकते हैं जी। तो अपने आप को एकदम रिलैक्स अनुभव करें, एकदम रिलैक्स। एकदम कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपना सारा ध्यान सांसों पर ले आएं।
कैसे श्वास आ रही है और जा रही है, देखें अपनी श्वासों को एकदम ध्यान से। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। रिलैक्स करें, जैसे जैसे आप श्वास ले रहे हैं आपका मन एकदम शांत होता जा रहा है, एकदम शांत है। अब अपना सारा ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों की ओर ले आए, अपने दोनों हाथों को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स, कोई प्रकार का प्रेशर नहीं, स्ट्रेस नहीं। अब ध्यान से देखिए आपके दोनों हाथों की उंगलियां एकदम रिलैक्स हो चुकी हैं, एकदम रिलैक्स, और आपके दोनों हाथों की उंगलियों से सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, जैसे कोई बल्ब से सफेद लाइट निकलती है, ऐसे आपके दोनों हाथों की उंगलियों से सफेद प्रकाश निकल रहा है। आपके दोनों हाथों की उंगलियां पे सारा ध्यान दोनों हाथों की उंगलियों की ओर, आपके दोनों हाथ एकदम रिलैक्स है। अब धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश उंगलियों से दोनों हाथों की हथेलियों में फैल रहा है, और धीरे धीरे आपके हाथों की कोहनियों की ओर फैलता जा रहा है। आपके दोनों हाथों की कोहनियों तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है, एकदम रिलैक्स। हाथों की उंगलियों से लेकर कोहनी तक का हिस्सा बिल्कुल रिलैक्स है। कोई भी प्रकार का प्रेशर नहीं। धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश आपके कंधों की ओर बढ़ रहा है। ध्यान से देखें कैसे ये सफेद प्रकाश कंधों की ओर बढ़ रहा है। आपके दोनों हाथ एकदम प्रकाशमय हो चुके हैं, एकदम लाइट। अब अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए। आपका ध्यान श्वासों पर है, एकदम रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है, एकदम रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में ले आए, और अपनी बुद्धि द्वारा एक बहुत सुंदर चित्र बनाने की कोशिश करें, जिसमें एक वाइट शाइनिंग स्टार दोनों आईब्रो के बीच में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस चित्र को आपने आज स्लाइड में देखा वो सफेद चमकते हुए सितारे का चित्र।
दोनों आईब्रो के बीच में विजुलाइज कीजिए व्हाइट शाइनिंग स्टार। इस शाइनिंग स्टार से सफेद लाइट निकल रही है। अब अपना सारा ध्यान दोनों पैर की उंगलियों की ओर ले आएं। दोनों पैरों की उंगलियां बिल्कुल रिलैक्स है, एकदम रिलैक्स। कोई भी प्रकार का बोझ अगर उंगलियों में है तो उसको छोड़ दें और एकदम रिलैक्स हो जाए। दोनों पैरों की उंगलियां एकदम रिलैक्स है और इन उंगलियों से सफेद प्रकाश की किरणें निकल रही है और ये सफेद प्रकाश दोनों पैरों के पंजों में फैल रहा है। दोनों पैरों के पंजे प्रकाशमय हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। धीरे धीरे ये सफेद प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ रहा है और पैरों के घुटनों की ओर पहुंच रहा है। पैरों के घुटने बिल्कुल रिलैक्स हैं, एकदम रिलैक्स। पैरों के पंजों से लेकर घुटनों तक का हिस्सा सफेद प्रकाश का बना हुआ है और इसमें ना होने का अब आभास सा हो रहा है, जैसे कि ये हिस्सा है ही नहीं, एकदम लाइट और रिलैक्स। अब अपना सारा ध्यान श्वासों पर ले आए, कैसे श्वास आ रही है और जा रही है, और विचार करें ये श्वास कौन ले रहा है। ये शरीर श्वास ले रहा है या मैं, इस शरीर से अलग जो चैतन्य शक्ति एक एनर्जी आत्मा वो ले रही है। एकदम अलग अपने आप को महसूस करें, श्वास कौन ले रहा है। ये शरीर श्वास ले रहा है और मैं इस शरीर से अलग। अपना सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में ले आए, व्हाइट शाइनिंग स्टार, सफेद चमकता हुआ सितारा दोनों आईब्रो के बीच में चमक रहा है और मेरा मन एकदम शांति का अनुभव कर रहा है। अब अपना सारा ध्यान वापस दोनों पैरों के घुटनों की ओर ले आए। पैरों के घुटनों से सफेद प्रकाश कमर की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे विजुलाइज करें ये सफेद प्रकाश कमर की ओर बढ़ रहा है और दोनों पैर ऐसा लग रहा है जैसे सफेद प्रकाश के बने हुए हैं, सफेद लाइट के बने हुए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे दो ट्यूबलाइट की रॉड है, सफेद प्रकाश की रॉड। दोनों पैर ना होने का आभास हो रहा है, एकदम सुन्न हो गए हैं, सुन्न हो चुके हैं। इसमें कोई एग्जिस्टेंस की फीलिंग ही नहीं हो रही है। अब अपना वापस सारा ध्यान दोनों आईब्रो के बीच में ले आए, सफेद चमकते हुए सितारे की तरफ, सफेद चमकता हुआ सितारा बिल्कुल रिलैक्स हो रहा है। अब वापस अपना ध्यान कमर की ओर ले आए, कमर से ये सफेद प्रकाश ऊपर की ओर बढ़ रहा है रीढ़ की हड्डियों से होते हुए। विजुलाइज करें सफेद लाइट का प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी के एक एक मणके से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ रहा है, कंधों की ओर बढ़ रहा है और मेरी कमर से लेकर कंधों तक का हिस्सा बिल्कुल प्रकाशमय हो चुका है, सफेद प्रकाश में। इससे सफेद लाइट ही लाइट निकल रही है,
मेरे दोनों पैर दोनों हाथ कमर से लेकर कंधे तक का हिस्सा पूरा लाइट का बना हुआ है और इसमें एग्जिस्टेंस की फीलिंग ही नहीं है, जैसे कि ये हिस्सा है ही नहीं, ना होने का आभास हो रहा है, सुन्न जैसा हो गया है। अब अपना सारा ध्यान त्रिकुटी के बीच में, दोनों आईब्रो के बीच में ले आए व्हाइट शाइनिंग स्टार, और इस शाइनिंग स्टार से सफेद लाइट निकल रही है और पूरे चेहरे पर फैल रही है। आपकी गर्दन भी प्रकाशमय होती जा रही है। धीरे धीरे दोनों गाल आंखों की पलकों में ये सफेद लाइट फैल रही है और मेरी दोनों आंखों की पलकें भी बिल्कुल रिलैक्स हो चुकी है, एकदम रिलैक्स, एकदम लाइटनेस का अनुभव हो रहा है। मेरे मस्तक पर सफेद लाइट फैल रही है, दोनों आंखें, दोनों कान, पूरा चेहरा सफेद प्रकाश का बना हुआ है और अब आप देख रहे हैं पूरा शरीर सफेद प्रकाश का बन चुका है और इस सफेद प्रकाश में शरीर में एक सफेद चमकता हुआ सितारा दोनों आईब्रो के बीच में विजुलाइज करें और मुझे गहन शांति का अनुभव हो रहा है, एकदम शांति का। अब जैसे जैसे मैं एक से लेकर पांच तक की गिनती गिनेंगे, इस शांति को आपको और इंटेंसिफाई और बढ़ाना है, इसकी गहरी अनुभूति में जाना है। ये आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। जैसे जैसे हम आपको काउंट करेंगे वन से लेकर फाइव तक, आपको शांति की गहरी अनुभूति में डूबना है। एक, गहन शांति का अनुभव हो रहा है, सफेद चमकते हुए सितारे में से एकदम शांति का अनुभव हो रहा है। दो, और डीप साइलेंस, और गहन शांति। तीन, और गहरी शांति। मेरा मन आज एकदम शांति का अनुभव कर रहा है। चार, और गहराई में उतर जाए, जैसे कि शांति का सागर आज मेरे मन में उमड़ रहा है। पांच, खो जाए इस शांति में, एकदम स्वीट साइलेंस, ये मीठी शांति है। इस गहन सन्नाटे को महसूस करें, शांति को मैं बाहर ढूंढ रहा हूं, वो मुझ आत्मा के अंदर ही है। जिस शांति को मैं इस शरीर में और शरीर से संबंधित चीजों में खोज रहा हूं, वो मेरे अंदर ही है, एकदम शांत। धीरे धीरे, एकदम स्लोली, जितना धीरे हो सके अपनी आंखें खोलेंगे, एकदम स्लोली, और थोड़ी देर, आधे मिनट के लिए इस शांति के अनुभव में बैठे रहेंगे। Oh, shit.